दुगनी करेंगे। हम पूछना चाहते हैं 2022 भी खत्म हो गया मोदी जी, वो किसान की आय दुगनी कब तक होगी? कब आपका समय आएगा कि आय दुगनी होगी? हम ऐसा नहीं कर सकते जैसे आपने अपनी पत्नी छोड़कर आप नारद फिरते हो घूमते, और हमारे खेतों के लिए तुमने योगी मोदी छोड़ दिए हैं, उन्हें काट रहे हैं। हम सभी भाइयों से अपील करते हैं, हम तो कहना चाहते हैं भाई जो लोग जिसकी जो इच्छा हो खाओ और पियो, क्यों इन्हें परेशान कर रहे हैं? अगर एक बछड़ा हमारी गाय देती है तो हमारी इच्छा हम उसे पालें। कोई भी भाई अपना ना छोड़े, ये हम लोगों का भी हुआ है। और ये सरकार गौ और गंगा के नाम पर इन्होंने पूरे देश को बर्बाद कर कर रख दिया। हमारे श्यामली के जिलाध्यक्ष जी, मैं मनोज मिड्डा पब्लिक लाइव से, आप जुड़े रहे मेरे साथ। आज मैं आया हूँ कमिश्नर के दफ्तर पे, जहाँ आज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ, तो मैं जानना चाहूँगा आज यहाँ के जिला अध्यक्ष से कि वह धरना प्रदर्शन किन मुद्दों पे किया गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइव टीवी में। धन्यवाद। क्या नाम है साहब आपका? गुरु प्रताप सिंह, युवा जिला प्रभारी। गुरु प्रताप सिंह जी, आप बताइए आज ये धरना प्रदर्शन किन मुद्दों पे किया गया? ये धरना अनेकों अनेक मुद्दे हैं जी, किसानों से जुड़े हुए। जैसे मेन अपना आज के समय पे किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, पराली जलाने पे, पाती जलाने पे, खेत में अब हम नया सुन रहे हैं अभी खेत में तार वाड़ नहीं कर सकते अपने खेत की सुरक्षा के लिए, MSP के ऊपर, तो अनेकों अनेक मुद्दे लेकर आज हम धरने पर आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी मांग मान लेंगे प्रशासन? मांगनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं, 2024 में इलेक्शन आ रहा है, यहाँ नहीं मांगेंगे तो उसका परिणाम वहाँ पे भुगतना पड़ेगा। इनका कहना है यदि आज प्रशासन हमारी मांग नहीं मानता तो हम 2024 में वोट की चोट से इन्हें मांग मनवाएंगे, यह इनका कहना है जी। भाई साहब आपका नाम? जी मैं विश्व त्यागी, युवा जिला अध्यक्ष सहारनपुर। ये जो आज धरना प्रदर्शन है, जैसे जिला प्रभारी ने बताया, तो आपको क्या लगता है कि आपके धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? जी धरना प्रदर्शन आज एक दिवसीय का है, अभी आगे की जो हमारी बैठक होगी और उसके बाद हम इसका डिसीजन लेंगे। जैसे भी हमारे पूरे मंडल की यह धरना है तो इसी उसमें हम पूरे मंडल की टीम आने लग रही है, श्यामली से भी आदमी आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर से भी आ रहे हैं, जैसे भी इकट्ठे बैठ के हम मीटिंग करेंगे। ये अनिश्चितकालीन भी हम धरना चलाने की सोच रहे हैं, अभी हमारी मीटिंग में तय होगा अभी। अच्छा, आपका सोचना है कि अनिश्चितकालीन धरना भी रह सकता है? जी बिल्कुल। अभी कमिश्नर साहब से आपका कौन प्रतिनिधि मंडल कौन सा मिलेगा? अभी हमारे मेन बॉडी के जिला अध्यक्ष और हमारे जो भी जिले की टीम है, मंडल की टीम है सारी, अपने हम 10 या 15 जनों का एक प्रतिनिधि मंडल कमिश्नर साहब से मिलेगा। धन्यवाद जी। रविंदर चौहान, महानगर अध्यक्ष सहारनपुर। आपका क्या कहना है इस धरने प्रदर्शन के बारे में? धरना चलेगा यदि मांगे नहीं मांगे सड़कों पर आएंगे। यदि आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो आप सड़कों पर आएंगे। आपको क्या लगता है कि आपके धरने प्रदर्शन से यहाँ का प्रशासन संतुष्ट हो जाएगा, आपकी मांगे मान लेगा? माननी पड़ेगी। धन्यवाद धन्यवाद। क्या है दुगनी करेंगे? हम पूछना चाहते हैं 2022 भी खत्म हो गया।